आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त की रात का वो सच जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा। वो रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच को बदल दिया। वो रात थी आजादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5,00,000 लोगों का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंट बेटन वायसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दो लाइनें कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लेप इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8,15,00,000 लोग एक ही रात में गवा दिए थे। देश दो टुकड़ों में विभाजित हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आजाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो एक और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम भी नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर अब शासन चला सके, इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया था ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगह पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। बिगड़ती परिस्थिति को देख अंग्रेज भारत को हो सके इतना जल्दी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भी भारत को आखिरकार एक टुकड़े में नहीं लेकिन दो टुकड़े में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए दिन 15 अगस्त ही क्यों चुना गया, तो इसमें ऐसा है कि सिर्फ हम भारतीय ही शुभ और अशुभ में नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज भी उतना ही मानते थे। माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकारी थी और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुए थे। इसलिए बेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। तो फिर रात 12 बजे के वक्त को ही क्यों तय किया गया? तो इसके लिए भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि वो वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया था कि पंडित नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात की लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आजाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों से देखने का। देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्रध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्रध्वज को उतार कर लहराया गया। देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आजादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही एक साथ अंग्रेजों ने देश को नहीं छोड़ा। आजाद भारत के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे। 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश रवाना हुई, तो आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। दोस्तों, ताज्जुब की बात ये कि लुटेरे अंग्रेज हमारे देश के अतिथि बन के आए हो, उस तरह से उन्हें विदा किया गया। उनकी आखिरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली तब जॉर्ज पंचम को विदाई देने वाला गीत बैंड बाजा के साथ बजाया गया। आजादी से 190 साल पहले भी अमीर चंद और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइंट का ऐसे ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। और फिर क्या हुआ? प्लासी का युद्ध और 190 साल की परतंत्रता।
फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे। अतिथि देवो भव के सूत्र को हमने आज भी नहीं छोड़ा, फिर वो अतिथि वाकई देवतुल्य हो या हमें लूटने आया हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और देश की इस स्वतंत्रता की कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की आपकी जिम्मेदारी है। और इस वीडियो को हो सके इतने लाइक, हो सके इतने कमेंट दीजिए, और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमेशा खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।